कांवड़ यात्रा का सीजन शुरू होते ही इस बार सुरक्षित और सुखद कांवड़ यात्रा के लिए रेल मंत्रालय और रेल सुरक्षा बल ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार दो रूटों को खास तौर पर विशेष निगरानी में रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड और झारखंड दोनों रूटों के उच्च अधिकारियों के साथ एक वृहद बैठक हुई है, जिसके बाद कई निर्णय लेने के साथ सुरक्षा को लेकर भी रूट तैयार किया गया है। स्टेशन पे हमारे जो सीसीटीवी कैमरा है उसके तरफ से लगातार इनकी जो है वो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। सावन शुरू हो गया है, कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं और कांवड़ यात्रियों के लिए सबसे बड़ा साधन जो होता है रेल होता है। ऐसे में रेल सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई, हम बातचीत करेंगे आरपीएफ डीजी अरुण कुमार जी से। सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई इस बार रेलवे की सुरक्षा की तरफ से? हाँ, पूरे देश में जो है काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री जाते हैं, लेकिन जो दो मुख्य केंद्र है वहाँ पर हमारा फोकस ज़्यादा है, एक उत्तराखंड में और दूसरा जो है वो झारखंड में। तो सबसे पहले जो है वो वहाँ दोनों जगहों के डीजी साहबान ने जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठक की है, जिसमें कि आरपीएफ जीआरपी लोकल पुलिस इन सब का जो है समन्वय किया गया है और हम लोगों ने अपने स्तर पे जो है वो इन सभी जगहों पे जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर आरपीएसएफ का जो है वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो जो लोकल पुलिस है उससे हमारा लगातार समन्वय है कि जहाँ जहाँ इनके ठहरने के स्थान हैं या स्टेशन पे हमारे जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसके तरफ से लगातार इनकी जो है वो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। प्रेशर हमारा जो है वो सैटरडे को बनना शुरू होता है, सैटरडे से लेके मंडे जाना और ट्यूसडे आना, तो इस चार दिनों में हमारा डिप्लॉयमेंट जो है पीक पे जाता है और उसी तहत हम उनको जो है वो इस ढंग से कोऑर्डिनेट करते हैं कि हर ट्रेन में जो है वो इनका इस ढंग से जो है वो सफ़र हो कि यात्रियों को जो है कम से कम परेशानी हो और इनकी यात्रा जहां तक हो सके वो सुगम कर पाए। धन्यवाद सर। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पूरी तैयारी आरपीएफ कर चुकी है। अजस्र पीयूष शुक्ला, हिंदी खबर, नई दिल्ली। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।